हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल तरन किचन पे। आज मैं आपको बना के दिखाने जा रही हूँ टूटी फ्रूटी बर्फ़ी। टूटी फ्रूटी बर्फ़ी कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी बन जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं टूटी फ्रूटी बर्फ़ी बनाना। सबसे पहले हमने फ्राई पैन में देसी घी डाला है 200 ग्राम। अब इसमें डालेंगे मैदा 400 ग्राम, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। मीडियम आंच पे ही इसको हमने पकाना है मैदे को, ताकि ये ब्राउन ना हो जाए। बस हमने इसको पकाना है थोड़ा सा, कलर नहीं इसका चेंज करना। मैदा हमारा भून चुका है, हमने इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। बस इसका कच्चापन ही ख़त्म करना है मैदे का। ये देखिए मैदा हमारा भून चुका है, अब हम चाशनी बना लेंगे। अभी हम चाशनी बनाएंगे, उसके लिए मैंने 300 ग्राम चीनी ली है और 200 ग्राम हमारा पानी है। इसको अच्छे से हिलाते हुए पका लेंगे। अच्छे से पकाना है, ताकि ये एक तार की बन जाए। ये देखिए चाशनी हमारी एक तार की बन के तैयार है। ये देखिए चाशनी हमारी बन चुकी है, एक तार की बन गई है। चाशनी को हम मैदे में डाल देंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट इकट्ठा होने लग गया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, 100 ग्राम मिल्क पाउडर और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा देसी घी और ऐड करेंगे हम। अभी मैं इसमें केवड़ा एसेंस के 2 ड्रॉप्स डाल रही हूँ खुशबू के लिए। आप चाहे तो वनीला एसेंस के 2 ड्रॉप डाल सकते हैं, या गुलाब जल, या फिर इलायची पाउडर, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता है वो डाल दीजिए। ये देखिए हमारी बर्फ़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है बनके। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए केक टिन ना मेरे पास, उसमें ऑयल लगा के मैंने बटर पेपर लगाया। आप चाहे तो किसी थाली में भी निकाल सकते हैं। नीचे थाली में ऑयल लगा के फिर उसको आप उसमें डाल दें और अच्छे से इसको प्रेस कर दें, और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद फिर कटिंग करेंगे इसकी। अभी 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से जम जाए हमारी बर्फ़ी। बर्फ़ी हमारी ठंडी हो चुकी है और मैंने इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगाया। अब मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ। आप जिस शेप के पीसेस कट करना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से कट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया पीसेस कट हो रहे हैं और कितनी बढ़िया बनी है हमारी बर्फ़ी। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी टूटी फ्रूटी की बर्फ़ी बन के तैयार है। आप भी इसी तरह से बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स।